मंगलवार को छतरपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में आए एक युवक ने शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव के प्रभारी प्राचार्य पर अपने संबंधी जनों की नियम विरुद्ध तरीके से संविदा पर कॉलेज में भर्ती करने, छात्र छात्राओं की प्रोजेक्ट फाइल रद्दी में बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने आईटीआई के माध्यम से इन बिंदुओं की जानकारी प्रभारी प्राचार्य से मांगी तो प्रभारी प्राचार्य ने उसके आवेदन को उसके मुंह पर फेंक दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी उसके पास है। पहले इस वीडियो को देखिए। शिकायतकर्ता उमेश भगत निवासी नौगांव ने बताया कि शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव के प्रभारी प्राचार्य हरदयाल अहिरवार द्वारा लंबे समय से अनियमितताएं और शासकीय नियमों की अवहेलना की जा रही है। हाल ही में प्रभारी प्राचार्य हरदयाल अहिरवार ने बिना योग्यता के परखे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को परीक्षा में इनविजिलेटर की ड्यूटी पर लगाया था, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है। ऐसे कई विषय हैं जिनकी जांच होनी चाहिए और इन्हीं जांचों के लिए भी कलेक्टर के पास आए हैं। मैं शासकीय बापू महाविद्यालय में आरटीआई के तहत जानकारी लेने गया था। मुझे जानकारी लगी थी कि प्राचार्य द्वारा भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें प्राचार्य ने अपने गांव के संबंधी लोगों को भर्ती की है। जिसकी जानकारी मुझे लगी तो मैं आरटीआई के तहत आवेदन लेकर प्राचार्य के पास गया, जिससे प्राचार्य ने आवेदन पढ़कर मेरे मुंह पर 5-6 बार आवेदन फेंका। प्राचार्य बोलते हैं इसकी जानकारी हम आपको नहीं देंगे। जिसकी जानकारी मुझे लगी तो प्राचार्य मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी देते रहे। आवेदन थाने पर देकर आए कि तेरे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का मैं केस लगाऊंगा, तू ये जानकारी मांग रहा है। कौन से पद पर भर्तियाँ की उन्होंने? संविदा पे प्राचार्य द्वारा भर्तियाँ की गई है और बच्चों के बीए फर्स्ट ईयर और तृतीय वर्ष के प्रोजेक्ट फाइल भी बेची गई हैं रद्दी के भाव में। तो आपने कहाँ पर आवेदन दिया? मैंने कलेक्टर साहब के पास में आवेदन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर आरटीआई लगाना सरकारी कार्य में बाधा है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इसकी निष्पक्ष जाँच कर प्रचार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और प्राचार पर कार्रवाई हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो सके। कोई भी नियुक्तियां हो तो उसका विज्ञापन जारी हो। अधिकारियों ने क्या कहा कलेक्टर साहब ने? अधिकारी ने कहा कि मैं कलेक्ट्रेट से ही जांच करवाता हूं इसकी।